अंकुरियान परिवार बड़ी तरक्की कर रहा है भाई। कैसे? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानता? उनकी लड़की खूब कमाई कर रही है आजकल। बाप और भाई दोनों हाथों से बटोर रहे हैं। आपने सुना? सही कह रहे हो भाई। बड़ो जवान लड़की घर से बाहर गई, बापों का क्या समझे? कौन? थ्रेसिया? और उसकी रातों की मुलाकातें तो बहुत मशहूर हो गई। क्या तुम अंधे हो? उम्र में इतने बड़े होकर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसमें शर्म की क्या बात है? वो जो कर रही है उसे शर्मानी चाहिए या हमें? क्या किसी को पता है वो क्या करती है? आपको उसके कारनामों का सबूत चाहिए। तुम्हारी सोच तो हम सब जानते हैं। किसी भी अच्छे भले परिवार की बदनामी करना ही तुम्हारी शान है। औरतों के बारे में कहानियां गढ़ना और गंदी अफवाहें फैलाने में ही तुम्हारी शान है। औरत को अपनी औकात पर ही रहना चाहिए, उन्हें हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओहो, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको बंद करके रखना चाहिए? मूर्ख। ए, नैतिकता का मुखौटा लगाकर उपदेश देने की कोशिश मत करो। हमारा मतलब है उस औरत को मनमानी करने और रातों को आवारा गर्दी करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। हमारे समाज के भी कुछ नियम कानून है या नहीं? क्या उन्हें मनवाना बुरा है? अगर तुम्हारी नियत सही है तो कोई बुराई नहीं है, पर थ्रेसिया को इस तरह निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो तो पुतंजिरा में फरिश्ता है। ओह, फरिश्ते? रात के फरिश्ते? वो एक नगर वधू का अड्डा बनाना चाहती। यू शट अप, बकवास बंद करो मूर्ख। अब एक भी शब्द थ्रेसिया के खिलाफ मत निकालना, एक भी शब्द थ्रेसिया के खिलाफ मत निकालना। अरे ये वही थ्रेसिया है जो मेरे मरीज पिता के साथ बैठकर प्रार्थना और उनकी देखभाल किया करती थी। अरे मैं तो विदेश में था, उनको देखने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं था। उन्होंने मदद के लिए पुकारा, तुम लोग उनसे दूर रहकर तमाशा देखते रहे और ये कहते रहे कि वो पागल है। उन्होंने पानी मांगा लेकिन वो उठ नहीं पाए, मेरे पिता उठ नहीं पाए। और वो थ्रेसिया जिसे तुम लोग इतनी बुरी बुरी बातें कह रहे, वो थ्रेसिया उसने बिना कुछ खाए बिना आराम करे दिन रात उनकी सेवा की। अगर तुम लोगों ने एक शब्द भी उनके खिलाफ आप निकाला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तमीज, क्या करती रहती है तू? क्या पापा? देखो अब कैसा नाटक कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसी निकलेगी। लोगों के घर रातों को जाती है और वो भी आधी रात को, वहां कौन तेरा इंतजार करता रहता है? पापा चुप, उन बीमारों के पास जाने की इसे क्या जरूरत है? क्या ये डॉक्टर है? अरे इसे तो पढ़ना भी नहीं आता, अनपढ़। कहीं हे मेरे यीशु, हे मेरे प्रभु, इन्हें क्षमा करना। मंकुडियान परिवार पैसे से ही गरीब है पर मान सम्मान बहुत है हम लोगों का। ओ, लोगों की बातें सुन सुनकर मैं तो जैसे शर्म से मर ही जाता। ये बेहूदी लड़की अब इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगी।
मैं अपने परिवार में किसी नाजायज बच्चे का जन्म नहीं देख सकता। तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? तुम्हें पता है लोग क्या क्या कहते हैं? शराबियों की रखेल, वैश्या और ओह मेरे बाप।